फिफ्थ कंटेस्टेंट को आप बुलाना चाहूंगा, आप प्लीज स्टेज पर आइए। और जैसे कि अभी मुझे पूजा जी से पता चला दैट आप परफॉर्म कर रहे हैं हरियाणवी डांस पे, तो देखते हैं आज आपका जलवा क्या होता है स्टेज पर। सो प्लीज वेलकम। एक और भी है ना एक हरियाणवी डांसर जो बहुत चौधरी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा यादव है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैम, मैं पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। मोस्ट वेलकम। मैंने कोई एक्टिंग या डांसिंग का कोई क्लास नहीं लिया है, कोई एजुकेशन नहीं लिया है, तो जो है वो अपने से सीखा है, तो मैं आपके सामने अपना जो भी टैलेंट है वो दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल, प्लीज़ गिव मी परमिशन। गो फॉर इट। उससे तो मुझे लग रहा है अभी आप किसी के आगे करोगे तो माइट भी बहुत सारे बॉयज फ्लर्ट हो जाएंगे। और ये जो गाना था ना ये बहुत एनर्जेटिक वाला है, तो एनर्जी थोड़ी सी मुझे लो दिखी, पर वो थोड़ी शाय है। बहुत एनर्जेटिक गाना है ना इसमें, तो मतलब बॉडी को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दो समझ लो। आपने ना बहुत स्टिफ, थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा बैलेंस, परफेक्ट था, एक्सप्रेशंस भी ठीक थे। नहीं पर बहुत क्यूट लगा मेरे को, ऑन द होल काफी क्यूट लगा। वाचिंग सपना का परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ। नो आई थिंक वो और ये बहुत डिफरेंट है। मैं खुद कह रही हूं कि मैं सपना चौधरी जैसी लगती हूं। अच्छा, नहीं वो बहुत रॉन्ची और अनइनोवेटिव है, आप बहुत ही क्यूट और लवेबल थी। वो दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है, आप दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है। क्यूट था। तो यादव जी, आपने ली नहीं है कोई भी ट्रेनिंग, पर आपने बहुत ही क्यूट परफॉर्म किया। और क्योंकि ये थोड़ा सा हरियाणवी और ट्रेडिशनल था, इमीडिएटली आपके कंपैरिजंस ड्रॉ किए जाएंगे सपना चौधरी से। पर वो एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, रॉन्ची और सेडक्टिव और अनइनहिबिटेड, और आप बिल्कुल क्यूट और लवेबल the other end of the spectrum hai, but I thoroughly enjoyed it and I just wanted to dance along. It was really cute. Can you come please?
चलो मेरे डांस का सीखने मेरा बेबी भी है. I have a 3-year-old boy. I'm a mother. Oh, wow. You have a 3-year-old boy. Very nice. और उसके बाद भी आप आए यहाँ पर. आप में एक will है अपना talent दिखाने की. I think that's a fabulous, you know, attitude to have. क्योंकि कई बार मैंने देखा है marriage के बाद ladies अपने आप को seriously नहीं लेती, अपनी ड्रीम्स अपने डिजायर्स को भूल जाती हैं अपने फैमिली के नाम पे. बट नाइस टू सी दैट यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड 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 द क्लैरिटी कि यू वांट टू फुलफिल योर ओन डिजायर्स एज वेल. वेरी नाइस. थैंक यू मैम. वेल गाइज, आई होप आपको मजा आया हो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस देख के. आई हैड अ ब्लास्ट. मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर देने वाली हूँ, द पावर टू वोट. यस, आप हमें व्हाट्सएप करके बताएं कि किस कंटेस्टेंट को आप अगले एपिसोड में देखना चाहेंगे, किस कंटेस्टेंट को आप अगले एपिसोड तक लेकर जाना चाहेंगे. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9518903802. सो जल्दी से व्हाट्सएप करिए और हमें अपनी ओपिनियन बताइए. तो ये था आज का पहला एपिसोड स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी का. मुझे अपनी केकड़े जैसी मानसिकता से बख्शो. आप भी हमारे शो में भाग ले. लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.spareme-the-crab-mentality.com. फॉर्म भरे, हमें अपना मोबाइल ऑडिशन भेजें, हमारे स्टूडियो में आए, अपना हुनर दिखाएं, बिकॉज दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो दिस इज मी पूजा मिश्रा साइनिंग ऑफ, टेलिंग यू टू नेवर गिव अप.